मेट्रो चल रही है, मेट्रो चल रही है। ये देखिए हमारी ग्रीन लाइट है और ये यहाँ पे ये पहला वाला ग्लास मेरे लिए। और यहाँ पर अभी बन रही है गार्लिक छाछ, तो ये लहसुन अभी कूटा जा रहा है। इसको अच्छे से कूट लेंगे, बिल्कुल पेस्ट बन जाए ताकि ये हाफ स्पून के करीब, और फिर इसको हम दही में मिलाएंगे। कूट चुका है और हम इसे निकाल लेते हैं। तो हल्का सा इसमें पानी डाल लेंगे ताकि जो भी इसमें गार्लिक रह गया वो सब इसके अंदर मिला के अच्छे से साफ हो गए, और फिर वो दही में मिल जाए, कुछ बचे ना इसमें। ये डाल दिया हमने इसमें, अब हम डालेंगे इसमें दही। दो ग्लास छाछ बनाने के लिए कम से कम हमको चाहिए 2-3 चम्मच 4 चम्मच, जितनी अगर ज्यादा थिक पीना चाहते हैं तो और दही डालते हैं। मुझे तो पतली अच्छी लगती है, मैं तो 2-2.5-3 चम्मच ही डाल रहा हूँ। बस इतनी दही डाल लेंगे हम, अब इसको अच्छे से हाथ से लाकर थोड़ा सा वो कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। क्या डालने वाला है अब इसके अंदर? हम डालेंगे काली मिर्च, जीरा भुना हुआ, नमक और काला नमक। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा अंदाजे से 1/4 चम्मच है काली मिर्च डाली मैंने इसमें। और अब लेते हैं काला नमक, 1 पिंच काला नमक लेना, बहुत ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा इसमें गुठलियां हो तो उसको दबा के सही कर लें। अब डालना है भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा भी इसके अंदर 1/2 चम्मच डलेगा, सबसे ज्यादा इसमें जीरा ही डलता है। और उसके बाद नमक, प्लेन टाटा वाला नमक, शुद्ध आयोडाइज्ड। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। फाइनली डलेगा इसके अंदर पानी, चिल्ड वाटर। हाँ बर्फ भी डाल सकते हैं, चिल्ड ना हो तो थोड़ी सी, लेकिन ये तो और पतली हो जाएगी अगर से बर्फ डालेंगे तो। प्रेफर यही करें कि पानी ठंडा हो। बस अब हो गई हमारी छाछ तैयार, इसको एक बार और हिला लेंगे। वैसे तो लहसुन कहते हैं कि बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कई बार लहसुन कच्चा खाना आसान नहीं होता लोगों के लिए, लेकिन इसमें मिला के खाने से टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है और आपको लहसुन के फायदे भी मिल जाते हैं। तो ये पहला वाला ग्लास मेरे लिए। हाँ पियो, बताओ कैसा है? अच्छा है। एंड दिस इज माय मास्क, ये हो गया मेरा सैनिटाइजर, और ये है मेरा सनस्क्रीन लोशन। और मैं अभी कर रही हूँ बाहर जाने की तैयारी, कुछ जरूरी सामान रहता है तो यार वो लेने तो जाना ही पड़ेगा। कितनी कोशिश कर लो कि नहीं जाना, लेकिन जाना पड़ता है बाहर। तो अभी हम निकलने वाले हैं, और आप भी देख लेना हमारे साथ दिल्ली की रोड्स का आजकल क्या हाल है, और शोरूम्स खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, सब आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं ये सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता भी देती हूँ, काफी अच्छा सनस्क्रीन लोशन है ये। सो फ्रेंड्स, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो सनस्क्रीन लोशन तो मैं जरूर लगा के जाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ी सी भी देर अगर मैं धूप में रहती हूँ ना तो मेरी स्किन डल हो जाती है, और धूप के अलावा भी अगर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो अगर मेरी स्किन पे पड़े और धूप नहीं हो ना, तब भी मेरी स्किन बहुत ही जल्दी डार्क हो जाती है। तो मैं अभी यूज कर रही हूँ ये वाओ स्किन साइंस का एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन लोशन, ये है SPF 40। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑल इन वन स्किन प्रोटेक्शन है, मतलब कि पॉल्यूशन हो या स्मोक हो, स्मोक, यूवीए या यूवीबी रेडिएशंस, इन सबसे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जब से मैं ये सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ ना, मुझे काफी डिफरेंस फील हो रहा है, पहले की तरह मेरी स्किन ज्यादा टैन नहीं हो जाती। ये बिल्कुल भी ना ग्रीजी नहीं है, स्टिकी नहीं है, ऐसा नहीं लगता है कि आपने लगा लिया तो कुछ चिपचिप सा फील हो रहा है, और बहुत ही जल्दी से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर रेजिस्टेंट है, तो अभी मॉनसून भी आने वाला है और सनलाइट तेज हो या बारिश का मौसम हो, ये हर वेदर में सही रहता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें हार्मफुल पैराबेंस, मिनरल ऑयल्स, पीजी या पीईजी, ये सब नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है। सीधी सी बात है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसमें विटामिन B3E लिकोराइक एक्सट्रैक्ट है जो स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। एलोवेरा का भी यूज हुआ है इसमें, और जो सबसे ज्यादा स्किन के लिए अच्छा होता है, आप सब जानते हैं कि एलोवेरा स्किन के लिए कितना अच्छा है। तो मेरे पास ये 100 ml की ट्यूब है, काफी ट्रेवल फ्रेंडली है। और बस अप्लाई करने से पहले एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना होता है कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं ना, कम से कम उसके 15-20 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन लगा लें, फिर आप बाहर जाएं। मैं अपने हैंडबैग में सनस्क्रीन लोशन भी जरूर रखती हूँ, क्योंकि 3-4 घंटे बाद अगर मैं सनलाइट में हूँ तो मैं इसे रीअप्लाई कर लेती हूँ, और अगर मैं सनलाइट में नहीं होती हूँ तब भी मैं 7-8 आवर्स के बाद ना इसे रीअप्लाई दोबारा कर लेती हूँ, क्योंकि 7-8 आवर्स तक तो ये बिना सनलाइट के भी इफेक्टिव रहता है। वैसे ये सनस्क्रीन लोशन आपको Amazon, Flipkart,
नायका या फिर वाउ स्किन साइंस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बारिश हुई है ना आज, बहुत ज्यादा तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है लेकिन थोड़ा अच्छा हो गया है मौसम और काफी अच्छा लग रहा है आज बाहर निकलकर। फिर से सुनने में आ रहा है कि फिर से लॉकडाउन हो सकता है, अब पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन कोई कह रहा है सच्ची खबर है, कोई कह रहा है झूठी खबर है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी तो अनलॉक वन चल ही रहा है, तो जितने भी काम पेंडिंग रहते हैं उन्हें फटाफट हम लोग निपटा लेते हैं, ऐसा ना हो कि दोबारा लॉकडाउन हो जाए और हमारे काम रह जाए। बड़ी मुश्किल हो जाती है यार लॉकडाउन होते ही ना, सब काम बंद हो जाते हैं तो जो ज़रूरी काम होते हैं वो रह जाते हैं। ज़्यादा शुरू नहीं करा है लोगों ने बाहर निकलना, अच्छी बात है, निकलना भी नहीं चाहिए, बस ज़रूरी हो काम हो तभी निकलना चाहिए। बसेस भी काफ़ी सारी चल रही हैं रोड पर, लेकिन बसेस में मुझे लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं ना के बराबर, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स ही प्रेफर कर रहे हैं अभी जाने आने के लिए। देखिए हमारी ग्रीन लाइट है और ये यहाँ पे स्कूटी लेके बीच में आ गई, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करना चाहते ही नहीं है। ठीक है, मतलब आने जाने की जल्दी होगी, हमें भी होती है, लेकिन फॉलो तो करने चाहिए ना ट्रैफिक रूल्स। इतने शरीफ हम भी नहीं है। और ये आ गया है अब इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन। मेट्रो को तो मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, अभी नहीं चल रही है ना मेट्रो, पता नहीं कब चलेगी, दूर से ही देख के मेट्रो की फील ले लेते हैं। और अब हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में, तो यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है, हॉर्न्स ही हॉर्न्स की आवाज सुनाई दे रही है बस हर जगह से। बस चल रही है ऑरेंज वाली जिसमें बहुत ही कम सवारियां बैठी हुई हैं। और ये देखिए ये यहाँ मजे कर रही हैं, आराम से रोड पर बैठी हुई हैं। ट्रैफिक बहुत है, पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा हमें, फिलहाल आप देखते रहिए मेरे साथ कितना ट्रैफिक है यहाँ पर अनलॉक वन में दिल्ली में। आप आगे कार देख रहे हैं रेड वाली, ये पार्किंग लाइट चलाकर ही काफी देर से हमारे आगे आगे चल रही हैं। लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या रोड के बीच में ही खड़ी कर देनी है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक वन होने में ना मैं देख रही हूँ कि रोड पर काफी लोगों का जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है, वो मतलब रोड पे अजीब तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से, या तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि जी अनलॉक वन हो गया है तो बस निकलो चलाओ जैसे दिल करे चलाओ अपनी रोड है, या फिर पता नहीं मतलब दो ढाई महीने अंदर रह रहे के माइंड डिप्रेस भी हो गया है, कुछ भी हो सकता है। मेट्रो चल रही है, मेट्रो चल रही है, मेट्रो चल रही है, खाली मेट्रो का ट्रायल क्या वो सब? नहीं, पहले हॉर्न बजाने देते हैं फिर बोल लेंगे हम। सर्विस देखो कितना लंबा हॉर्न लोग बजा रहे हैं, पता नहीं आज लोगों को क्या हो गया है। तो हाँ, मेट्रो चलते हुए देखा था लेकिन खाली थी, वो ट्रायल चल रही है आई थिंक, और अगर मेट्रो का ट्रायल चल रहा है तो शायद इसका मतलब कि मेट्रो जल्दी ओपन होने वाली है, लग तो ऐसा ही रहा है ना। सर्विस के लिए भी चल रही हो सकती है। हाँ लेकिन वो इधर जा रही थी ना, इधर तो कोई सर्विस स्टेशन नहीं है, सर्विस स्टेशन इस साइड है, वो इधर गई है।